तो लौंडो ये जगह है धोपाप और वो है मंदिर श्री राम और जानकी जी का। ये जो धोपाप है ये एक्चुअली हम लोगों का जो इलाका है वो आता है सुल्तानपुर में। हमारी जो लैंग्वेज है वो है अवधी, अवधी मतलब अवध, जो रामचंद्र जी का जहाँ पर जन्म हुआ था उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा, जो रामचरितमानस में जो लैंग्वेज है ये भोजपुरी नहीं है, ये अवधी है। तो जो हम लोगों का इलाका है वो अवध के आसपास का इलाका है, विद इन 60-70 किलोमीटर के रेंज में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे राम से जुड़े हुए, भगवान राम से जुड़े हुए कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो ये जो धोपाप का वाला मंदिर है भाई, आपने जो देखा है, तो कहते हैं चूँकि रावण एक ज्ञानी था और ज्ञानी को मारना एक पाप है, तो वो पाप को कैसे मिटेगा, तो उनको ये सलाह दी गई थी कि आपको धोपाप, जहाँ पे पाप धोया जा सके, तो आपको यहाँ नहाना पड़ेगा। तो वहाँ से ये जगह, पहले भी रामचंद्र जी के पहले से भी ये जगह फेमस थी, तभी वो यहाँ नहाए थे, और बहुत पुरानी पुरानी जगह हैं। तो ये धोपाप का इतिहास में यहाँ से वर्णन आता है, बहुत पुरानी जगह हैं ये, बहुत पुरानी जगह हैं, तो मैंने कहा क्लियर कर दें। और ये कर रहे हैं बस, दिख रहे हो ये कोशिश, अगर इन्होंने यहाँ उतार ली, मतलब पता नहीं पीछे जंगल है, यहाँ से आए हैं ऑब्वियसली, कैमरे में आपको पता नहीं चलता, बट दिस इज़ द लोकेशन, ये लोकेशन है। ये नदियाँ हमारी माँ की तरह हैं, इनकी इज्जत ना करो तो आपकी भी इज्जत नहीं होती। लकली अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, हमने उनकी इज्जत की ज़्यादा ही कर दी, उनको देवी बना दिया बट उनको माँ नहीं समझा, इसलिए ये हाल है। पानी गंदा लग रहा है, मतलब मैं देसी हूँ, मैं नहा सकता हूँ, बट वैसे ही शिवम वगैरह रहते थे, उनको गंदा लग रहा है ना, वो रही दूर। ए! ए! एक तो मैदानों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, तो आप ऐसे नहीं घूम सकते, यही बरसात का मौसम होता थोड़ा बहुत, या थोड़ी ठंड होती, तो यू कैन गो एंड एंजॉय। दूसरी बात ये कि ये है नदियों को मारने वाला इंसान के बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये है जलकुंभी। तो ये क्या करते हैं, ऊपर कवर बनाते हैं और फिर वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल ये मार देते हैं और नदी डेड होने लगती है। नहाना है आपको? मैं भी नहा लूँगा। आपको ये नहीं लग रहा पानी गंदा है? ये हम आरोपी भाई नंगे जा रहे नहाने, बॉडी तो भी बीमारी बची हुई है कि 2 साल हो गया वर्कआउट छोड़े हुए, बट है अभी थोड़ी बहुत, वापस वर्कआउट शुरू करूंगा जल्दी ही। स्टार्ट गो। चलो 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 जाओ जाओ। अच्छा, ये वाह 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 वाह, देख रहे हो आराम ज्यादा हो, देख देख के मुड़ रहा है साली सुजू ओ बैच। हर के तो देखो छोर होगी, थोड़ी देर रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अभी जाएं थोड़ी देर, मिट्टी बहुत होगी हमारे भी पसंद में, हिसाब से कर लो, कैमरा तो पकड़ो यार, ऐसे लगता है कि बड़ा ड्रामा लगा रहा है यार। अच्छा तुम आता है कितना मजा आया,
जा रहे हैं रेस्क्यू करवाने खुद को, इन्होंने फंसाई है ये। हाँ मैं, इन्होंने फंसाई है। गए कहाँ थे हम लोग? यहाँ से बाएं। हाँ तगड़ी ऑफ रोडिंग थी हम लोग, मतलब सिंगल गाड़ी पे, पहले भी जंगल में गए थे। अच्छा पिकनिक मनाने आए थे लेकिन एक दिल्ली से भैया यहीं घर आया हमारे घाटम में। यार ये थोड़ी शांति रहा थे तो आ गया। मतलब ये ट्रैक्टर में आया है? नहीं आवाज है लेकिन ये टोटल जलजला बालू है। जानता कैसे आवत गए? वाह वो दूर एरिया देखा था। ये लेके आई से, ये लेके आई भैया। निकालेंगे कैसे हम लोग? आएगी जब जो यहाँ से घंटा 4x2 में चढ़ पाएगी। ओपी भाई आपने तो यही कांड कर दिया था, ये यही नहीं चढ़ पाएगी यार। उधर आइए, वहां से कैसे चढ़ाओगे? वहां से मैंने वो हमें कर दिया। एक बार यहां से तो निकले, फर्स्ट स्टेप हो आगे। ये रही नदी। चाबी किसपे ले ले भैया? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी का 4x4 इंगेज हो ही नहीं रहा, एरर आ रहा है। अरे रिवर्स करके चढ़ाओगे यार, फ्रंट व्हील ड्राइव बना के नहीं चढ़ेगी। उधर जाओ आप, उधर जाओ और जाओ और जाओ। कुत्ता तो नहीं है पीछे? ना ना आ जाओ। ये रहा ये रहा ये, बस देखना मेरी तरफ देखना। गाड़ी कंप्लीटली 4x2 में है। पीछे भी वो ऑफ रोड हुआ था तो मैं 4x4 में था। ये देखो काम ही नहीं कर रहा है। बस जाओ जाओ। बस बस बस। अरे वो ठुड्डा सा है, टो करवा लेते ना। तो करवा लें, क्या दिक्कत है? तो ही कराएं। हाँ साइकिल हो गया फिर। चलो हो गया।
भैया आप उधर लेके जाओगे? हाँ लेके जाना आप, ठीक है? बहुत आराम आराम से काम हुई। नहीं हो रहा है। रहिए रहिए रहिए, बैठे थे बैठे थे। चला चला चला, पेड़ पेड़ पेड़। रुको 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 भूपी भाई, रुको, रुकने को बोल रहा है। अच्छा खासा जंगल है ये। एक भी पेड़ को डैमेज नहीं करना। और हम लोग बैठ गया, तू जिन फंसया। एक उठाओ अपन लीवर, फंस गया, ये फंस रहा था। प्लानिंग ये है बाबूजी की, बाबूजी पेड़ तोड़ने वाले हैं। बालू है सर, तुरंत धस रहा है। जियो महिंद्रा लाइक चला, साथ ही साथ लाइक चला, आप साथ में चला। हाँ हाँ चलो चलो चलो, आराम आराम से ले चला, आराम आराम से ले चला, आराम आराम से। ट्रैक्टर का आर्टिकुलेशन अलग है, इसका आर्टिकुलेशन अलग है। इसका MLD भी नहीं चल रहा है। यार समझ नहीं आ रही ये नई वाली थार क्या है। कई बार लगती है बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, कई बार लगता है कि यार ये नहीं है, कुछ कुछ आर्टिफिशियल, कुछ हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन करके एक मशीन बनाई गई है जिसको प्रैक्टिकली आजमाया भी नहीं गया। क्योंकि अगर ऑफ रोड की बात करें तो रेडिएटर वगैरह और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसको मात खा देते हैं, और अगर ऑन रोड की बात करें तो ऑन रोड में ये गाड़ी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत सारे कंप्रोमाइज हैं इस गाड़ी में। ये है 4x4 और 4x2 में फ़र्क। ये 4x4 में हम लोग ईजिली क्रॉल कर सकते हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली इतने अंदर तक गए थे तो वी डोंट नीड एनीथिंग। और यहाँ पे मैंने वीडियो बहुत पहले इंस्टाग्राम पे डाली हुई थी, छोटी मोटी तब ब्लॉगिंग करता था, वहाँ पे सफारी डाइकोर आ चुकी है 4x2 और जेंटलमैन ने निराश किया। लेकिन चलो जी यार, सिस्टर की शादी में सारा टैन हुआ पड़ा है,
क्योंकि बहुत विकट गर्मी है यहाँ पर। और ये मेरी गाड़ी है हीट ऑफ एल्के, मेहंदी भी ले हीट ऑफ एल्केनो की तरफ से। मेरा नाम सौरभ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। हाँ टोपी भाई, कल जा रहे हैं हम लोग, कैसा लगा ओवरऑल? बढ़िया लगा। और था फूक के आना डीजल, क्या बढ़िया लगा। नींद तो आपको मिली नहीं, कूलर आपको मिला नहीं, नींद आपको मिली नहीं, कूलर आपको मिला नहीं, मच्छर अलग काटे, गर्मी क्या, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, करना चाहिए। मतलब बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं? ये भी बात नहीं है, बुरे रहे हैं, अच्छे भी रहते हैं। अंकल आंटी से मिले, ये भी एक अच्छी बात है। दिशा की शादी में आएंगे, यहाँ पे एक न्योता देके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मानते हो? हमारे पास पूरे गांव के इस भट्टे की वजह से इतनी जमीनें गई हैं हमारे, क्योंकि पाँच पाँच दस दस आगे आगे देखो तो पाँच पाँच दस दस हजार रुपए के लिए लोगों ने अपनी मिट्टी है। जैसे ये देखो कल इसका लेवल हो गई था, इसमें भट्टे में इसकी जमीन गई है। अब ना इस जमीन की उपजाऊ बन रहा है, ना वो क्वालिटी रही है। ऐसे ऐसे करके इस भट्टे ने हमारे गांव की खेती खराब की है। पहले पैसे में बेची है? बेची नहीं है यार, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, ये तो पुराने बेची नहीं है, मिट्टी है। मिट्टी बेची है तो मिट्टी बेचती ना यार, ये तो वही वाली बात है जैसे पुराने, चाचा जयराम, ये तो जैसे पुराने टाइम पे होता था, लाला हरामजादे लूटते थे किसानों को, वैसे इसने भी लूटा हुआ है। वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। अब लिखाई करके लिए ऐसे थोड़ा ना कि 5,000 रुपए दे के, अब नहीं नहीं, पहले तो बर्बाद था, तुम्हारे थप्पड़ मार के ले जा रहे हैं ये, नहीं नहीं पहले जमाने में तो ये होता था। नहीं नहीं है तो प्रॉपर करते हैं कि नहीं है तो प्रॉपर है तो चाचा से भी इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। आंखें देखो हमारी कितनी लाल हो, पहुंच गए घर। हमारी बुलेटिया दिखा दो, ये है S350, ये गुड़गांव की पहली है दूसरी एश कलर था, और मुझे लग डर था कहीं ये दूधिया बुलेट ना लगे, क्योंकि वाइट कलर की बुलेट पहले कभी किसी ने सुनी नहीं थी। अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, हाँ पूर्वा में क्या कहते हैं? हम तो उसे प्यार करते हैं। दोबारा बोलिएगा, है आई लव यू, हम तो उसी प्यार, हम तो उसी प्यार करते ही। अच्छा किसको बोलना चाह रहे हो ये? किसी को नहीं, सबको। चलो हमारे में है तो हमारे में हमें नहीं आ रही, आ गया।